स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की जो लास्ट हमारी टू प्रॉपर्टीज रह गई थी वो हम देखेंगे। तो देखिए, सेवेंथ प्रॉपर्टी होती है एसिड की, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो एसिड है अगर वो किसी मेटल ऑक्साइड के या कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड हो उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। ये भी पिछली जैसी रिएक्शन से मिलती जुलती थी। जब एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ तब भी वो यही चीज़ें बनाता है, एंड जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो यही चीज़ें बनाता है। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले लेंगे एग्जांपल कॉपर का। कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gives us CuCl and water H2O। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो सेकेंड कॉपर ऑक्साइड है। सो देखिए, यहाँ क्या है, कॉपर मेटल, ये क्या है, एसिड। ओके, सो यहाँ देखिए, ये तो केवल मेटल ही ऑक्साइड बना रहा है तभी तो ये बनेगा। यस, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है तभी जाके वो यहाँ पर आ पाएगा। ये इसकी कम है तो सी यू किसके साथ मिल जाएगा, क्लोरीन के साथ में। इसे हटा देंगे ये दोनों तो क्या बन जाएगा, एक एच यहाँ का, एक ये एच टू ओ बन जाएगा। तो देखिए अब ये बैलेंस्ड नहीं है क्वेश्चन, चलिए इसे बैलेंस भी कर लेते हैं, पहले बड़ा बड़ा लिख देते हैं HCl। बट इसमें हमने केस कौन सा देखा कि कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, तो वो एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो देखिए इसे हम बैलेंस करते हैं, सी यू क्या है 1, यहाँ क्या है 1, H क्या है 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 कर दिया। अब सी एल भी 2 हो गया, यहाँ पर तो 2 है, बैलेंस्ड हो गए। एंड नाउ इसमें क्या बताया हमने कि जो कॉपर ऑक्साइड है यानी ये सॉलिड है, ये एक्वस एंड ये सॉलिड है, सॉल्ट हो जाएगा एंड ये लिक्विड वाटर। ओके, सो ये जो इनकी ऑक्साइड, ये जो है ये एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ में अटैच हो रहा है तो कुछ एक्वस टाइप का बनेगा, इवेपोरेट करके सॉल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या देखा हम लोगों ने, अभी इनसे ज़्यादा मतलब नहीं, इस चीज़ को समझने की बात है कि एसिड, ये क्या था, एक एसिड, एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड के साथ, और यहाँ मेटल कौन सा है, सी यू ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड। ये क्या हो गया, सॉल्ट, ये क्या हो गया, वाटर। तो ये बड़ी ही सिंपल सी थी। इसमें बस क्या होता है कि एक मेटल ऑक्साइड होगा, एक एसिड होगा, मिलके बनाएंगे एक सॉल्ट, एक वाटर। अब इससे एक चीज़ और पता चल रही है, हमने जो पिछली रिएक्शन करी थी उसमें जो इसकी पिछली प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, है ना, ये एच टू लिख दिया मैंने वाटर के लिए। तो इसमें क्या था, बन तो इसमें भी यही चीज़ें नहीं थी और इसमें भी यही सारी चीज़ें बन रही हैं। इसमें क्या है, एसिड है, एसिड इसमें भी है, इसमें बेस है, बट इसमें नाम क्या दे दिया, मेटल ऑक्साइड हो, तो हमें ये क्या दिखा रहा है कि मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, कोई एक बेस होगा, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी इससे सिमिलर है, प्रोडक्ट इसकी भी वही है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो जाएगी और ये मेटल पहली वाली से सिमिलर हो जाएगी। तो इससे हमें क्या चीज़, एक कंक्लूजन हमारा निकलता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर
बेसिक इन नेचर। एक चीज और जो एग्जांपल्स वगैरह में नहीं है, ये होता है कि अगर ये यहाँ नहीं, मतलब प्रॉपर्टी में तो वही लिखेंगे, बट मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिक ही होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो देखिए इससे हमें दो चीज़ें मिली, क्या कि ये जो मेटल ऑक्साइड होगा ये बेस होगा कोई, पहली चीज़ ये हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स की भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वगैरह होती रहेगी, जो रिएक्शन होगी वो भी बेस होंगे, तो यानी मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेस होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ये भी बेस होते हैं। तो देखिए एक चीज़ से हमें दो चीज़ें पता चल गई, ये बहुत ही सिंपल थी। इसमें क्या था, एक मेटल ऑक्साइड होगा, एक एसिड होगा, मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर बनाएंगे। इसमें हमने कौन सा लिया था, CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर का एंड O ऑक्साइड का, क्योंकि हम लोग हाइड्रोक्साइड भी लिखते हैं तो OH होता है, ऑक्साइड का O होता है, तो ये फॉर्मूला इसका वैसे बन गया है। फिर हमने एसिड कौन सा लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना देगा ये CuO के, जब मैंने आपको पहले ही बताया था जब Cl होता है तो कोई मेटल के साथ वो रिएक्ट हो जाता है, तो CuCl2 बन गया, फॉर्मूला मिलके इन दोनों की वैलेंसी को काट पीट के ये Cl2 आ गया, एंड क्या बचा, H2 एंड O, ये मिलके H2O, इसे फिर हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, तब हमारे मोल्स और सारे मॉलिक्यूल्स बैलेंस्ड हो गए। तो इससे हमने क्या देखा, एक हमने मेटल ऑक्साइड लिया, प्लस हम लोगों ने लिया HCl एसिड लिया, क्या बना देगा ये CuCl2 प्लस H2O, और ये क्या होगा, ये सॉल्ट होगा, ये तो वाटर है ही, ये एसिड है एंड ये मेटल ऑक्साइड। एक लाइन की प्रॉपर्टी ये है और इसका मतलब ये है, एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल होगा। अब हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है एसिड्स हैव करोसिव नेचर। तो देखिए हमारी 8th प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव करोसिव नेचर। तो ये जो एसिड्स हैव करोसिव नेचर है, यहाँ एसिड्स, ये जो एसिड वर्ड यूज़ हुआ है ये किन एसिड्स के लिए यूज़ हुआ है, करोसिव, या पहले भी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, करोसिव का क्या मतलब होता है, एक टाइप से किसी मटेरियल को, मेटल को, आप स्किन भी कह सकते हो, अभी जो हम बोलेंगे नॉर्मली, अभी मैं कहती हूँ मटेरियल, कोई क्लोथ मटेरियल या स्टोन या फिर वुड कह लो, तो उस चीज़ को एक टाइप से ईट अपॉन करना, उसके ऊपर उस मतलब उस पर ऐसे एक्ट करना कि वो घटती रहे। मान लीजिए जैसे टर्माइट होती है तो वो वुड के ऊपर वुड को ईट करती है, यानी खा लेती है, और उसे दीमक जैसे कहते हैं तो ख़त्म कर देती है। तो ऐसे ही करोसिव जो वर्ड है इसका भी यही मतलब है कि ऐसा एक प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, धीरे धीरे करोड कर देती है, एक टाइप से इरोजन कह सकते हो इसे। तो मतलब क्या हुआ इसका कि एसिड्स यानी कि मिनरल एसिड्स, क्योंकि ये मतलब हार्मफुल होता है करोसिव, यानी खा लेना किसी चीज़ को, मिनरल एसिड्स जो होते हैं यहाँ किसके लिए है, मिनरल एसिड्स के लिए, मिनरल एसिड्स होते हैं करोसिव इन नेचर, आर करोसिव इन नेचर, दे ईट अपॉन ऑन मेटल्स, क्लोथ्स, एनी थिंग। ओके, सो देखिए जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा, H2SO4, तो ये सारे हमने क्या बताए, बहुत हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल किस तरीके से होंगे, ये हार्मफुल ऐसे होंगे कि जब इन्हें आप किसी वुड के ऊपर गिराओगे, जैसे हमने एक ये बीकर लिया, इसमें हमने H2SO4 डाला, जो मिनरल एसिड से जो हार्मफुल बहुत है, कार्बोनिक एसिड नहीं लेना हमने, हमने कौन सा लिया जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वुड है। तो जब आप इसे इसके ऊपर गिराओगे वुड के ऊपर, तो क्या होगा, धीरे धीरे वुड ऐसा होगा जलने सी लगेगी, ऐसा लग रहा है जैसे वुड को दीमक ने खा लिया हो, तो ये एसिड खा लेता है बिल्कुल, मतलब उसे ऐसे टुकड़े नीचे नीचे कर देता है, जला सा देता है बहुत धीमी धीमी फ्लेम पे।
अब ऐसे ही, अब आप सोचिए आपका आपकी बॉडी पे अगर आप इसे गिराओगे तो ऐसा ही रिएक्शन होगा। तो इसलिए बोर्ड्स भी बनाए जाते हैं कि बहुत हार्मफुल होता है। देखिए इस टाइप का बोर्ड सा होता है, देखिए ये देखिए मेटल इस पर रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे वुड एकदम से जल गई, और अब आप देखिए ये हाथ पे भी गिर रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि देखिए जैसे वुड पे रिएक्शन हो रही है इसकी, उसी तरीके से इसकी हाथ पे भी हो रही है। हाथ देखिए कम हो रहा है, जैसे कि जल रहा हो। मान लीजिए इस टाइप में ये है, मान लीजिए आपका, मेरी इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग। देखिए ऐसे, ये जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड पे गिराया था, अगर हम इसे हैंड पे गिराएंगे तो हैंड भी ऐसे करोड़ होने लगेगा। यहाँ केमिकली इस वर्ड को करोजन कहा, करोजन ये करोजिव नेचर में होते हैं, यानी करोड़ कर देते, खासा लेते हैं एक चीज़ को। तो देखिए हाथ भी इस तरीके से हो जाएगा, जैसे जैसे ऐसा लग रहा है ना किसी दीमक ने इसे ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से एसिड भी रिएक्ट करते हैं, कौन से मिनरल एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये आपको बताया था बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे हमें क्या पता चला, एसिड्स की प्रॉपर्टीज एक तो मेटल ऑक्साइड वाली होगी, एक ही करोसिव होगी, करोसिव नेचर में होते हैं। अब हमने और भी सारी इनकी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, क्या पढ़ी थी वो, शुरुआत की चार बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, इतनी हार्ड नहीं है। कि इनका सोर टेस्ट होगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्या कह दिए, देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं सोर टेस्ट, दूसरा ब्लू टू रेड लिटमस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चौथी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक मिनट देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है यहाँ साइड में या नहीं, मेटल यस दिख रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अगर एसिड इनके साथ रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट CO2 एंड H2O वाटर मिलता है, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ क्या थी हमारी, एसिड्स प्लस बेसिस फॉर्म्स सॉल्ट प्लस H2O एंड सिक्स सेवेंथ यस हाँ एक और थी जो हाइड्रोजन गैस होती है, तो हम सिक्स्थ लिख देते हैं उसका नाम मेटल प्लस एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाता है और क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाता है। ज़्यादातर चीज़ों में सॉल्ट ही आता है, तो कोई हार्ड नहीं है इसकी प्रॉपर्टीज। सो ये थोड़ी शॉर्ट में लिखी है, एक सोर टेस्ट होगा इसका, यानी खट्टा टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये प्लस का साइन इसलिए लगाया है, रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये बोल लिया, ये मत बोलेगा, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी वैसी होती तो निकल जाती दिमाग से,
ये क्या है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और सॉल्ट बनता है। ये तो हमने अभी करी, एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, कॉपर का एग्जांपल लिया था, एंड एसिड्स हैव करोसिव नेचर, ये आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।